नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे न्यू और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय न्यू चैनल में। बहुत लोग को ये क्वेश्चन था और ये प्रॉब्लम था कि ऑडियो इंटरफेसेस या मिक्सर। हे गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑनगोइंग अपडेट्स ऑन दिस चैनल। बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे एनालॉग मिक्सर और डिजिटल मिक्सर का फ़र्क। मैं हज़ार बार जैसे मैं बता चुका हूँ हमेशा कि एनालॉग मिक्सर और डिजिटल मिक्सर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एनालॉग मिक्सर बेसिकली उसमें से हम लोग आजकल जो एनालॉग मिक्सर आ रहा है उसमें यूएसबी का पोर्ट आता है, लेकिन उसमें से आप लोग सिर्फ स्टीरियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ स्टीरियो। डिजिटल मिक्सर में क्या होता है, आपको उसके अंदर साउंड कार्ड भी मिलेगा और उसके साथ क्या होता है कि आप लोग कोई भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन पे काम भी कर सकते। अभी बात कर रहे हैं हम लोग ऑडियो इंटरफेस के बारे में। ऑडियो इंटरफेसेस का जो आजकल का जो जमाना चल रहा है, बहुत लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऑडियो इंटरफेसेस इतना सस्ता क्यों है और मिक्सर्स इतना महंगा क्यों है। दूसरा जो चीज़ लोगों को एक और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यार ऑडियो इंटरफेसेस से हम लोग प्रोफेशनल म्यूजिक बना सकते हैं या नहीं, प्रोफेशनल साउंडिंग म्यूजिक बना सकते हैं या नहीं। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ज़माना पहले था 20 साल पहले और अभी का जो ज़माना है बहुत फ़र्क हो चुका है। इन्वेंशंस बहुत सारे हो चुके हैं, टेक्नोलॉजीज बढ़ चुके हैं और वही टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम भी आगे बढ़ चुके हैं। कंप्यूटर्स भी थोड़ा और ज़्यादा फास्ट होने लग गया अभी और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा बनने लग गया। अभी जैसे VSTs हो गया, जो प्लगइन्स हो गए, जो आप लोग जो बात कर रहे हैं, यही सेम VSTs और प्लगइन्स 20 साल पहले कंप्यूटर्स आने से पहले बेसिकली हार्डवेयर्स था। ये हार्डवेयर्स को आज VST के रूपांतर किया गया और उसी के हिसाब से हम लोग आजकल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। अभी ये हार्डवेयर से ये सॉफ्टवेयर बना क्यों, आप लोगों को ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यार अगर मैं सॉफ्टवेयर में काम करूंगा सिर्फ, मैं कभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं जाऊंगा प्रोफेशनल, तो मेरा मिक्सर जो है अच्छा नहीं निकलेगा। ये एक गलत थिंकिंग है आप लोगों का। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, अभी आप देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, मुझे मालूम नहीं, या आप अंधे हैं या आप बहरे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो बेडरूम प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और वो लोग अभी वर्ल्ड वाइड मार्केट में नंबर वन पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इसमें कि कौन कौन है, ये कैसा है, क्या है, क्योंकि उसमें भी फिर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आप जैसे लोगों से। मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा होता है शक। जब आपको ये शक होता है यार मेरे पास बस इतना ही है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके पास उतना है, उससे वो इसलिए बड़ा बन रहा है, वो गलत है। अगर आपके पास एक छोटा सा साउंड कार्ड है और एक लैपटॉप है या एक नॉर्मल PC भी है और आपके पास हुनर है या आपके पास टैलेंट है या आपके पास नॉलेज है, उससे आप लोग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को सीखने का तो कोई ये नहीं बन रहा, तुक नहीं बन रहा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को यही चीज़ हो रहा है कि यार मैं कौन सा अच्छा हेडफोन्स लूँ, या हेडफोन्स अच्छा रहेगा, या फोकसराइट अच्छा रहेगा, या बहरेंजर अच्छा रहेगा, या यमहा अच्छा रहेगा। अभी टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम में भी एक चीज़ ज़्यादा आ चुका है, वो है शक। अगर आप शक करते रहेंगे ऐसे ऐसे चीज़ों पे और अगर आप कंपेयर करते रहेंगे कि मैं अच्छा हूँ या वो अच्छा है या वो मेरे से अच्छा है बिकॉज उसके पास इतना अच्छा सामान है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक साउंड कार्ड है, तो कभी भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही आप आगे कुछ काम भी कर पाएंगे। अगर आपको कुछ बनना है तो बस एक ही चीज़ देखना है कि आपके पास जो सामान है, अभी जो सामग्री है, जैसे छोटे से छोटा साउंड कार्ड है, उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, समझ गया आप? क्योंकि एक छोटा साउंड कार्ड होने से मतलब आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं। दूसरा जो चीज है कि आप लोग आजकल सॉफ्टवेयर क्रैक कर रहे हो, VSTs क्रैक कर रहे हो और उसको इस्तेमाल कर रहे हो। मैं मानता हूँ बहुत महंगा है ये सब चीजें पहले स्तर में कमाने के लिए और इसको खरीदने के लिए, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं VSTs खरीद पाऊँ या सॉफ्टवेयर खरीद पाऊँ सीखने के लिए, तो बहुत लोग मोबाइल से ही शुरू कर लेते हैं। मैं तो यही बोलूँगा एटलीस्ट शुरू तो किया आपने, एक स्टेप तो लिया। अगर आपने एक स्टेप लिया तो मतलब आपका तरक्की उधर से ही शुरू हो गया। बात का बात है कि जो पैसा आप लोग बनाना चाहते हो और कमाना चाहते हो और कमा रहे हो, वो तो बात का बात है। देखिए जब हमने भी जब शुरू किया था हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास तो ना कंप्यूटर था ना हमारे पास इंटरनेट था उस ज़माने में, लेकिन फिर भी हम ढूंढ डांड के निकाले कि भाई ऑडियो इंजीनियरिंग कहाँ से सीख सकते, समझे आप? म्यूजिक
कहाँ से सीख सकते हैं? उस टाइम पे तो म्यूजिकल प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर भी नहीं था, फिर भी हम लोग को म्यूजिक सीखने का था। मुझे तो इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं आता कुछ भी, लेकिन फिर भी म्यूजिक क्या है उसका बेसिक थियरी तो सीखा। अगर आप म्यूजिक का बेसिक थियरी सीखेंगे तो मतलब आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो कि म्यूजिक के साथ चलने के लिए। अभी आपको इंस्ट्रूमेंट खेलना नहीं आता इसका मतलब नहीं है कि आप म्यूजिक नहीं बना सकते, क्यों? इंस्ट्रूमेंट खेलना जो है म्यूजिक थ्योरी से बनता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट खेलना एक स्किल सेट होता है, स्किल लेवल होता है। अगर आप अपना स्किल लेवल बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन खेलिए कुछ ना कुछ, समझे आप? अगर आप हर दिन एक ताल के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वो ताल पे आप माहिर हो जाएंगे। वही सेम चीज होता है, अगर आप आज गिटार खेलेंगे और खेलते रहेंगे आगे जाके आप अच्छे गिटारिस्ट बन सकते हो। अगर आप आज कीबोर्ड खेल रहे हो तो आगे जाके आप अच्छे कीबोर्ड प्लेयर बन सकते हो। लेकिन आपका क्रिएटिविटी कहाँ से आएगा? वो थियरी के अंदर है, वो प्रैक्टिकल्स के अंदर है, वो बेसिक्स के अंदर है, अपना म्यूजिक का जो बेसिक है उसके अंदर है। तो अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो फिर आप ये सबसे महंगा साउंड कार्ड लेके और सबसे महंगा हेडफोन्स लेके सबसे महंगा डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन या सॉफ्टवेयर लेके क्या करेंगे आप? तो अभी से आगे से आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, सर सबसे अच्छा साउंड कार्ड कौन सा है, सबसे अच्छा हेडफोन्स कौन सा है। आपका जो बजट है, आपका जो औकात है, समझिए आप, मैं ये जो बोल रहा हूँ बहुत लोगों को दिल पे लगेगा, आपका जो औकात है, लेकिन बुरा मत मानना, सच है वो बात। हमारा जो औकात है हम औकात से ही लेंगे। मेरा औकात कुछ भी नहीं था पहले, अभी भी मेरा औकात उतना बड़ा नहीं है कि मैं सबसे बड़ा मिक्सर लूं। अभी भी मैं सबसे पुराना एक साउंड कार्ड से काम चला रहा हूं, लेकिन म्यूजिक तो बन रहा है मेरा, आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग खुद समझ रहे हो, तो कैसे बन रहा है ये म्यूजिक? तो औकात पे रह के आप लोग काम करना शुरू कीजिए। सब लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि मेरा औकात नहीं है ये लेने के लिए, लेकिन बात उस पे रुक जाता है, पता है? तो आप लोग को ये सबसे पहले देखना है कि यार अगर मेरे पास ये है तो आपका अगर एक छोटा साउंड कार्ड भी है आपके पास, 3,000 रुपए का भी साउंड कार्ड अगर आपके पास है, आपका औकात जो आपसे नीचे वाला है उससे ज्यादा अच्छा है। हमेशा ये मत देखना कि यार मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, वो देखो और आगे बढ़ो। अगर आपने आज साउंड कार्ड लिया है तो कल तक आपको हेडफोन्स भी मिल जाएगा। मेहनत करो यार, थोड़ा मेहनत करने में कुछ मुश्किल नहीं होता है। सबसे अच्छा साउंड कार्ड अभी आपको पता चल गया होगा कौन सा है, अपना औकात से ले लीजिए सबसे अच्छा साउंड कार्ड, अपना बजट में जो आता है वो ले लीजिए, लेकिन काम शुरू कीजिए। अभी मुझे मालूम नहीं है ये जो टॉपिक मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ थोड़ा इंस्पिरेशन वाला टॉपिक है या किसी को दिल पे लगा, या मुझे फर्क नहीं पड़ता उसमें, मुझे जहाँ पहुंचना है मैं पहुंचूंगा, आप कहाँ तक पहुंचे ये आप सोचिए, ठीक है? इतना बोल के मैं रोकता हूँ, धन्यवाद।